हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल स्लिंगी वाले। और आज हम आए थे मार्केट, बट देहरादून का मार्केट का हाल कुछ ऐसा है, बारिश बारिश और शॉपिंग के मज़े बिल्कुल नहीं आ रहे हैं। आपको आ रहे हैं? नहीं। बारिश का मज़े ले रहे हैं खाली, शॉपिंग को हुई नहीं। और ये देखो मौसम का हाल बहुत बुरा है आज देहरादून में। सो गाइस, बारिश तो वैसे ही चल रही है जैसे चली रही है, और हमारा शॉपिंग का प्लान अब कैंसिल हो चुका है। अब हमने सोचा है इस मौसम में शॉपिंग तो नहीं हो सकती, लेकिन चाय तो हम पी सकते हैं। बट नेवर माइंड, आज हम चाय पीने जाएंगे। इन्होंने कहा है कि देहरादून की बहुत ही अच्छी स्पेशल चाय मिलती है जो घंटा घर के पास है, तो बस हम वहीं पर जा रहे हैं और चाय पियेंगे, फिर आपको बताएंगे कि कैसा लगा है। पियेंगे, ज़रूर पियेंगे। बुरा हाल हो रहा है, ठंड इतनी ठंड पड़ रही है आज। हमने क्यों डिसाइड किया होगा कि हमें शॉपिंग करनी थी आज? दिन तक नहीं थी ना बारिश, अभी हुई तो अब अपन चाय पीने जाएगा, चाय पिएगा, तब तक पिएगा नहीं तब तक छोड़ेगा नहीं। सामने घंटाघर है और यहाँ पे मिलता है चाय, चाय सुट्टा बार। तो हम आए हैं चाय सुट्टा बार जो घंटाघर के पास ही है, तो यहीं हम चाय पियेंगे। चलो आ गए चाय सुट्टा बार। देखो घंटाघर हमारा, हमारा भी घंटाघर। घंटाघर को फ्लावर समझिए क्या? अगर यही बारिश गर्मियों में हो रही होती ना गाइस, तो हम यहाँ कूद रहे होते, लेकिन सर्दी है इसलिए चुपचाप बाइक में जा रहे हैं। ठंडा लग रहा है, बारिश का क्योंकि अपना ही मजा है, बाइक में तो और भी मजा आता है। पर अगर ना बारिश में जाओ ना गर्मियों के टाइम, तो बहुत बहुत मजा आता है। सर्दी में उतनी कुल्फी जम जाती है। बुरा हाल हो रहा है अभी तो। ट्रैफिक मैं फंस गया, चलो ट्रैफिक ऑन हो गया। सो गाइस, जब भी आप ट्रैफिक में फंसते हो तो कभी भी इरिटेट नहीं होना, जो नंबर है बस उनको देखो और एंजॉय करो। कब हमारा नंबर आएगा। आप देख सकते हो ये तो हमारा हाल है, और अब हम आपको आगे दिखाएंगे कि मौसम का हाल देहरादून का क्या हाल है। देहरादून का हाल दिखाएंगे। फिलहाल हमारा हाल ये हो चुका है, हम भीग चुके हैं, अगर कल धूप नहीं आई तो गए हमारे कपड़े। तो गाइस आप देख सकते हो ये देहरादून के आज का मौसम, रोड बहुत गीली है, गाड़ियाँ भी बहुत गीली है। सीधा प्रसारण, यही बोलते हैं प्रसारण, रोड गीली है। हम आपको यहाँ की क्लाइमेट के बारे में पूरी जानकारी टाइम टू टाइम देते रहेंगे। तो ऐसे करें ना, गाड़ियाँ भी गीली हो चुकी है, रोड भी गीली हो चुकी है, हम भी गीले हो चुके हैं, और सबसे पहले हम ही गीले हुए थे। पहले हम अकेले अकेले गीले हो रहे थे, और रोड भी गीली हो गई है और गाड़ियाँ भी गीली हो गई है। मुझे आज तक एक बात समझ में नहीं आई है कि देहरादून की लड़कियों को ठंड क्यों नहीं लगती है। यहाँ हमारे जैकेट पे जैकेट पहने जा रहे हैं, और ये जो एक पतले टॉप में घूम रहे हैं यार इतनी बारिश में भी, क्योंकि वो हॉट होती है ना। हॉट होती है हाँ, मतलब गर्म गर्म। अच्छा वो गर्म होती है। हाँ, सिटी बस भी भीग चुकी है, सिटी बस भी भीग चुकी है बिल्कुल, और भाई साहब भी भीग चुके हैं, भाई सब भीग चुके हैं, और बहन जी भीग चुकी है। उन्हें कोई मतलब थोड़ी है कि वो भीग रहे हैं, मस्ती लड़कियों की। देखो गॉसिप में कोई रुकावट नहीं आनी चाहिए, बिल्कुल नहीं, बारिश का तूफान है, वो पूरे डेडिकेशन के साथ लगी हुई है। यार ये मुझे ऐसा लग रहा है जैसे भूत बंगला होगा, ये क्या बन रहा है? भूत
बंगला भी बिक चुका है। बंगला भी बिक चुका है कि सच में बन रहा है क्या ऐसा? अजीब सा ही बिल्कुल अंधेरा, मतलब थोड़ा उजाला रोशनी वाला अच्छा लगता है, बिल्कुल अंधेरा कहाँ। तो बन रहा है ना, अंडर कंस्ट्रक्शन है। देखो आगे वाले भैया ने पूरा पूरा चद्दर ओढ़ के जा रहे हैं, लेकिन भैया पीछे भी वाले भीग चुके हैं, भैया भी भीग चुके हैं। पीछे वाले को देखो जरा, मैडम भी भीग चुकी है, साइकिल वाले भीग गए हैं, पर यार भी भीग ना यार, आगे वाले ने तो बिल्कुल ही अपने आप को कवर करके रखा है, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा कवर। पीछे वाले पूरा भीग चुके हैं, मतलब ये क्या है भाई, इंसाफ चाहिए हमें इंसाफ। ठंड में भी बारिश करा रहे भगवान, भगवान जी ठंड में भी बारिश करा रहे हो आप। और गाइस अब हम पहुंच चुके हैं आरागढ़, सब्जियां भी बिक चुकी है भाई, आज तो सब्जियां भी बिक चुकी है, फल फ्रूट भी बिक गए। बारिश में कुछ है तो नहीं, कहीं कुछ चढ़ तो नहीं गया? फौजी भाई भी बिक गए भाई, हाथ ला दो जॉइन कर दो, फौजी भाई भी बिक गए। जब हम स्कूल जाते थे, स्कूल बस से हमेशा फौजी की गाड़ी को बाय बाय करते रहते थे, वही दिन याद आ रहा है। बचपन से ही है भाई, बचपन से तो है यार, नो डाउट। और हम आगे नेहरू कॉलोनी, यहाँ पे सब कुछ गीला गीला ही है भाई, मतलब सबसे ज़्यादा जो बारिश होती है मुझे लगता है साइड ही होती है सबसे ज़्यादा, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा था, यहाँ पे भी हल्का हल्का लग रहा है पर वहाँ पे सबसे ज़्यादा रहता है। But enjoy the number. जो नंबर आ रहे हैं उसे enjoy करते रहे। 18, 17, 16, 15, 14। ये तो बड़ा मजा आता है। नहीं यार रेड में भी मजा आता है। वो करते हैं ना क्या कहते हैं कि अब हमारा नंबर कब तक आएगा? सब कुछ गीला गीला यहाँ भी। सड़कें देख सकते हो आप। ये देहरादून के मौसम का हाल। लाइव अपडेट चल रहा है, मौसम की जानकारी प्राप्त करने के लिए हमें कांटेक्ट करें, नहीं सब्सक्राइब करें। गाइस अब हम जिस तरह पहुंच चुके हैं और यहाँ पे देख सकते हो आप बारिश है, गीला गीला और बहुत गीला गीला भी है, कॉफी पेस्ट बहुत ही बुरा हाल है, लेकिन गर्मी में बहुत बुरा हाल है, हर जगह गीला गीला है बारिश में। मुझे तो वैसे बहुत ठंड लगती है देहरादून में, अब बारिश होगी और ठंड, और तापमान भी माइनस में जाने वाला है। अब मैं आपको आगे जाकर अपना फेवरेट व्यू वाला पॉइंट दिखाऊंगी, जहाँ से मुझे मुझे हमेशा आना या जाना मतलब बहुत अच्छा लगता है। अगर मैं वहाँ पे आती जाती हूँ उस रास्ते तो मुझे वो वहाँ का व्यू बहुत ही बहुत ही बहुत ही अच्छा लगता है, तो मैं ज़रूर दिखाऊंगी आपको। और अब हम पहुँच चुके हैं जोगीवाला, और एज यूजुअल यहाँ का मौसम तो हमें कभी परेशान नहीं करेगा, लेकिन यहाँ का ट्रैफिक ज़रूर परेशान करेगा। उसकी एक वजह है क्योंकि यहाँ पे नंबर्स नहीं है ना, वहाँ पे तो हम नंबर देखते हैं, यहाँ पे कुछ है ही नहीं, बस खड़े रहो। और यहाँ पे इतना कंजेस्टेड है ना, मतलब क्या बताएं, लेकिन देखते हैं आगे कुछ होगा प्रोग्रेस, तो कुछ रोड चौड़ी वगैरह कुछ होंगी तो हमारे लिए भी आसानी हो जाएंगी। तो यहाँ पे मौसम क्या है, ट्रैफिक का मौसम बेकार है। अब हमने सोचा हम यहाँ तक आ ही गए, यहाँ से जा ही रहे हैं, तो हमारा डॉगी है हाची, हम उसके लिए पेडिग्री भी लेंगे क्योंकि उसका पेडिग्री खत्म हो चुका है और उसे लिटिल हार्ट पेडिग्री बहुत ज्यादा पसंद है, तो उसके लिए लेके जरूर जाएंगे वो दुकान। तो ये भी जा रहे हैं वहाँ पे हमारे हाचू के लिए, जहाँ से पेडिग्री आती है हमेशा, और हाची के भैया जी गए हैं हाची के लिए पेडिग्री लेने, और आज वो बहुत खुश हो जाएगा। आप देख सकते हो ये जोगी वाला का है और कितनी भीड़ है, आप यहीं से देख सकते हो कि हम वहाँ वो चौक उधर रह गया और ये जो ट्रैफिक है वो आगे शायद फ्लाईओवर तक रहेगा। और आप देख सकते हो गाइस ये है मेरा फेवरेट प्लेस मोखरपुर का फ्लाईओवर। ये रहे मिस्टर सलिंगी वाले के हाल, ये देहरादून के मौसम का हाल, और आप वहाँ सामने देख सकते हो वो है मसूरी, मसूरी का हाल आप देख सकते हो आज। सो आपको अगर ये सारी जानकारी चाहिए, ये देहरादून के क्लाइमेट की जानकारी चाहिए, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, आपको ये सी जानकारी मिलती रहेगी। So keep enjoying our videos. Thank you.